टू वेरिएबल। अब इसमें एक वेरिएबल आएगा ए, एंड ऑपरेटर आप कोई भी इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप प्लस यूज़ करें, माइनस यूज़ करें, इक्वल्स टू एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन हो जाएगी जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4 + x, ये मैंने लिख दी, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा, ये जो चीज़ है वेरिएबल ऑपरेटर इक्वल्स टू एक्सप्रेशन, इसको सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं कि वेरिएबल इक्वल्स टू वेरिएबल ऑपरेटर एक्सप्रेशन। इस एग्जांपल को मैं लेके चलूँगी, तो वेरिएबल मेरे पास ए था, इक्वल्स टू जो वेरिएबल था दोबारा आ जाएगा, एंड ऑपरेटर और एक्सप्रेशन क्या थी 4 + x। तो अब ये जो जब सारी चीज़ें कैलकुलेट होंगी, ए में 4 की वैल्यू आएगी, ए में 4 की ऐड करेंगी और x की ऐड करेंगे, तब आपके पास ये वाला ए है, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से, जब हम ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों को मल्टी टाइम्स एक चीज़ में कोई चीज़ ऐड करवानी पड़ती है। अब एग्जांपल यहाँ पे क्या देने के, सम इक्वल्स टू सम प्लस एन, लाइक मैंने यहाँ पे जो है वो 3 + 4 + 5 + 6 इस चीज़ का सम कैलकुलेट करना है। तो पहले 2 का सम मुझे दोबारा यूज़ में करूँगी, तभी होल सम आएगा, जब 7 को मैं दोबारा 5 में करूँगी एंड इसको मैं दोबारा 6 में करूँगी, ठीक है। तो ये प्रीवियस को हम लोगों को साथ मिलाने के लिए हम ये वाला वेरिएबल अगेन यूज़ करते हैं, लाइक सम इक्वल्स टू सम प्लस एन, एन लेट सपोज आपके पास ये है 3 है 4 है, इसमें हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे बारी बारी। तो इसको आप जो है वो अगर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की सेंटिक्स के अकॉर्डिंग लिखें तो ये किस तरीके से आएगा, सम प्लस इक्वल्स टू एन, ये बिल्कुल सेंटिक्स के अकॉर्डिंग है, वेरिएबल ऑपरेटर इक्वल्स टू एन एक्सप्रेशन, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ आपके पास एग्जांपल्स हैं, सम माइनस इक्वल्स टू एन, दैट वुड बी इक्वलेंट टू सम इक्वल्स टू सम माइनस एन, प्रोडक्ट स्टैरिक इक्वल्स टू एन, दैट इज इक्वलेंट टू प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट स्टैरिक एन, ए डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू बी इज इक्वलेंट टू ए इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई बी, एंड ए मॉडुलस इक्वल्स टू बी दैट इज इक्वलेंट टू ए इक्वल्स टू ए मॉडुलस बी। तो ये आपको ये चीज़ इसमें कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट टाइप इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आपके पास आ जाते हैं जो कि हम सेम टाइप के दो चीज़ों को जब हम उनका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। कंपैरिजन हम किस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो नंबर है फर्स्ट वाला उससे ग्रेटर होगा, लेस होगा या क्या होगा, और मे बी वो इक्वल टू भी हो सकता है, मे बी वो नॉट इक्वल टू हो, ठीक है। जब हम कंपेयर करने के लिए दो वैल्यूज़ को ऑपरेटर्स जो हम यूज़ करेंगे, जो कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं, वो हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। दीज आर यूज्ड इन एक्सप्रेशंस व्हेन अ डिसीजन इज़ टू बी बेस्ड ऑन कंडीशन। जब हमें कंडीशन की बेस पे कोई डिसीजन लेना होता है, कंडीशन क्या होती है, दैट 5 is greater than b, 5 is less than c, 5 is less than 3, ठीक है, ये चीज़ होती है। एंड मे बी इट विल बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3, ठीक है, इस तरीके से भी आ सकता है आपके पास। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू कम्पेयर टू वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप, दो हो सकते हैं, दो सेम टाइप के। अगर आप 3 > b कर रहे हो तो बी मस्ट बी ऑफ इंटीजर टाइप। अब 3 > b, अगर मैं इसको करेक्टर में ही लेके चलूँगी तो बी, या मुझे क्या पता क्या चीज़ है जो कि इससे बड़ी है या नहीं, तो हम वो डिसीजन नहीं ले सकते। So b must be an integer. These are used in expressions when a decision is to be based on a condition. After evaluation of relational expression, the result produced is either true or false. True or false क्या होगा, लेट सपोज b में आपके पास 2 है, 3 is greater than 2, इट इज़ ट्रू, एंड मे बी b आपके पास 4 हो, 3 is greater than 4, नो इट इज़ फॉल्स, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट होता है वो आपके पास ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में होता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज इन प्रोग्रामिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट फॉर विच पर्पस वी यूज रिलेशनल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग, वी यूज इट फॉर डिसीजन मेकिंग। सो 6 टाइप्स होते हैं आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल्स टू, ये डबल इक्वल्स टू का मतलब होता है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू। ये हम क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर था ये, तो ए जब हम डबल इक्वल यूज़ करते हैं दैट मीन्स ए इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू 3, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, जो आपके पास चेंज नहीं हो सकता। एंड सेकंड वन इज नॉट इक्वल्स टू, एक्सक्लेमेशन मार्क स्टैंड्स फॉर नॉट इन सी लैंग्वेज। एंड नेक्स्ट वन इज़ लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू,
एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू। मैथ्स में तो आप लेस देन और इक्वल्स टू इस तरीके से लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू इस तरीके से लिख सकते हैं, बट इन कंप्यूटर यू कैन राइट इट एज लाइक दिस। ओके, अब इसकी एग्जांपल्स आपके, फर्स्ट है आपके पास सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए प्लस बी, सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए प्लस बी कोई भी आपके पास वैल्यूज होंगी, आप उनको ऐड करोगे एंड देन आप ये देखोगे कि वो उससे ग्रेटर है या नहीं थ्रू कंपेरिजन। ओके, यहाँ क्या होगा, अब अगर हम लेट कर लेते हैं कि इफ़ ए हैज़ द वैल्यू 25 एंड बी हैज़ द वैल्यू 10 एंड सी हैज़ द वैल्यू 28, देन फर्स्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स सिंस 28 इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। सी की वैल्यू उन्होंने क्या दी थी 28, अब ये इक्वेशन हमारे पास, ये एक्सप्रेशन कैसे बन जाएगी, 28 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 प्लस 10। तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ 28 ग्रेटर देन 35, तो 28 इज़ नॉट ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 35। अगर ग्रेटर होता या फिर इक्वल होता तो हमारी कंडीशन क्या हो जाती, ट्रू हो जाती, बट इट इज़ फॉल्स हेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। एंड सेकंड आपके पास एक्सप्रेशन है इफ़ एक्स हैज़ द वैल्यू 4.5, आप कोई भी वैल्यू लेके इसको, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू लेके इसको जस्ट चेक कर सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स की आपको समझ आ जाएगी। 4.5 द एक्सप्रेशन इज़ ट्रू बिकॉज एक्स इज़ लेस देन 5.3, सो एक्स आपके पास वो लेट करें कि 4.5 है और 4.5 जो है वो लेस देन 5.3, देन इट इज़ ट्रू बिकॉज 4.5 के है, 5.3 से लेस है। एंड इन द थर्ड एक्सप्रेशन इफ एन इज इक्वल्स टू 20 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 20, इट्स मीन दिस इज़ ट्रू। ठीक है, 20 इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 20, देन इट इज़ ट्रू। फॉर एनी वैल्यू अदर देन 20 द एक्सप्रेशन विल बी फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 19, द 19 इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू 20, देन इट वुड बी फॉल्स। इन द लास्ट एक्सप्रेशन इफ काउंट इज एनी नंबर अदर देन 10, देन द एक्सप्रेशन विल बी ट्रू। इफ ओनली इट विल ओनली बी फॉल्स वैन काउंट इज इक्वल्स टू 2। अगर तो काउंट की वैल्यू कह रहे हैं कि 10 से अगर कोई और वैल्यू होती 10 के अलावा, तो आपके पास कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अगर तो 10 के अलावा आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 9 अगर मैं कह देती हूँ 9 इज़ नॉट इक्वल्स टू 10, इट इज़ ट्रू। अगर आप क्या करोगे कि जब आपके पास 10 आ जाता है, 10 इज़ नॉट इक्वल्स टू 10, तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 10 तो 10 के इक्वल है, तो ये गलत बात है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सो स्टूडेंट इट्स योर डायरी, यू कैन नोट इट डाउन फ्रॉम हियर। सो इट्स टाइम टू क्लोजिंग। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु अलैह। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।